मैं हूं अंसार, झारखंड न्यूज 9 में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं रांची जिला अंतर्गत अनगड़ा प्रखंड के गोंदली पोखर में मैं मौजूद हूं। और आज मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो कि आज इस क्षेत्र के लिए पहचान का मोहताज नहीं है और आसू पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं। और हम इनसे इस बात को इनके द्वारा बताना चाहेंगे कि जो पार्टी के द्वारा 29-30 तारीख को जो आसू पार्टी का महाधिवेशन होने वाला है, उसको लेकर हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो कि ये महाधिवेशन होने जा रहा है आसू पार्टी का। बोलिए। नमस्कार, झारखंड न्यूज को आप सभी के बीच में हम बताना चाहते हैं कि हमारे केंद्रीय महाधिवेशन सुदेश महतो जी, हमारे जो सुप्रीमो हैं, उनके माध्यम से जो एक निर्णय हुई है केंद्रीय कमेटी द्वारा, इस बार 29-30 और 1 अक्टूबर मुरादाबादी रांची की जो झारखंड में एक ऐतिहासिक महाधिवेशन आसू पार्टी द्वारा होगी, क्योंकि इस महाधिवेशन में कई दल के लोग भी शामिल होंगे। और इस महाधिवेशन इसलिए ऐतिहासिक होने जा रही है क्योंकि हमारे पार्टी के जो गांव स्तर पे जो कैडर हैं, जैसे प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे कई इकाई हैं, जो महिला पुरुष जो संगठन बना हुआ है, उनकी 29 और 30 तारीख को हमारे झारखंड रांची मुरादाबादी मैदान में उनकी एक वर्कशॉप की तरह उनको पार्टी के नीति और सिद्धांतों को बताया जाएगा, ताकि भविष्य में 2024 के जो चुनाव होंगे उसके रणनीति को लेकर की तैयारी किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा 1 तारीख को जो है झारखंड में जितने गांव स्तर पे जो चूल्हा प्रमुख, गांव प्रभारी और पंचायत अध्यक्ष, इस तरह के जो हमारे विंग है आसू पार्टी के महिला पुरुष, उन तमाम लोगों को लेकर के झारखंड में मोराबादी में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें एक झारखंड का 2024 का दिशा और दशा बदलेगा। ऐसी महाधिवेशन की तैयारी हमारी आसू पार्टी द्वारा होने जा रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे झारखंड में युवा यह चाहते हैं कि झारखंड का विकास कैसे हो, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देके ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बदलाव होनी चाहिए। और ये एक ऐसा लग रहा है युवाओं को में जोश है कि झारखंड में परिवर्तन होना चाहिए। तो आज जो युवा चाहते हैं कि हम झारखंड राज्य में बदलाव करें, तो इस बदलाव को लेकर आप कैसे कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप झारखंड राज्य को बदलाव करेंगे आसू पार्टी की ओर से? नमस्कार, आप सभी के बीच में मैं आपको बता दूं कि 2024 में बदलाव जरूर होगी। और उसका कारण ये है कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, उस सरकार ने पिछले बार जिन्होंने जितने भी वादे किए 1932 खतियान को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, और लोग युवाओं को रोजगार देने के नाम पे जो धोखा हुआ है, 1932 के नाम पे जो लोगों को झूठा वादा हुआ है, नियोजन नीति उनका फेल है, युवाओं को रोजगार देना फेल हो चुका है, हमारे पंचायत चुनाव हो चुके हैं, पंचायत स्तर पर आज गांव का विकास नहीं हो रहा है, आज हमारे झारखंड में जो लाखों लोगों को रोजगार देने की बात थी फेल हो चुका है, सरकार पूरी तरह से विफल हो चुका है और जनता जान चुकी है ये झूठ की सरकार नहीं चलेगी। और 2024 में लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले बार आसू भी अलग चुनाव लड़ के देख चुका है और बीजेपी भी अलग चुनाव लड़ के देख चुका है, इस बार झारखंड की दिशा और दशा बदलने के लिए इस बार 2024 में कुछ अलग होने की तैयारी है। और इस बार आसू पार्टी गठबंधन की सरकार बनाएगी और इसकी तैयारी पूरी 2024 में जोरों से चल रही है। एक और क्वेश्चन है पारस जी, जैसा कि आपने बताया कि नहीं हम लोगों ने जो गठबंधन के चुनाव भी लड़े हैं और गठबंधन नहीं किए हैं उसके भी चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं, लेकिन इस बार डुमरी उपचुनाव में आप लोगों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं ये हार देखने को मिला है। और ये जो आप कह रहे हैं कि जो भी झारखंड में हेमंत सोरेन जो वादे किए थे वो पूरी तरह से फेल है, अगर वो पूरी तरह से फेल है तो झारखंड में वो फिर से उनका सीट कैसे आ गया, हम इस पर आप जानना चाहेंगे पारस जी। डुमरी उपचुनाव से पहले रामगढ़ उपचुनाव भी हुआ और
उस टाइम हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जी, उनके उसका व्यक्तिगत घर वहाँ पे पड़ता है आपका रामगढ़ उपचुनाव में, और उनको हार का सामना देखना पड़ा। और उस टाइम भी हेमंत सरकार ये कहती थी कि हम हर हाल में जीतेंगे, लेकिन आशू पार्टी वहाँ जीती और भारी मतों से जीती। डुमरी उपचुनाव में उसी का नतीजा रहा कि वो अपना इज्जत बचाने के लिए और अपना साख बचाने के लिए पैसों की बारिश हुई, शराबों की बारिश हुई, पूरी ताकत लगाया गया। और वहाँ पे आने के बाद रात रात भर जो आपने देखा लोगों को खरीद फरोख्त की काम हुई, और आपने देखा ओवैसी का जो वहाँ पे पिछले चुनाव में 25,000 वोट थे उसमें भी जो है उसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया। मैंने देखा है कि आशू पार्टी पिछला चुनाव में जितना वोट आया था बीजेपी और आशू को मिला करके आप दोनों को जोड़ेंगे उससे ज़्यादा 10,000 वोट आया है। तो हम जीते हुए आज भी इस चुनाव में थे, लेकिन ओवैसी का जो राजनीतिक दल है और हेमंत सोरेन का जो राजनीतिक पार्टी है, इन दोनों मिलकर के पैसों की जो खेला हुआ, जिसके वजह से आज एक तरह से अपनी जो सरकार है लोगों पे हावी होकर के ये राजनीतिक पार्टी इस बार जो जीती है ये अगले बार नहीं होगा, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुआ, जिसके वजह से सरकार होने के बावजूद भी आज उनको कड़ी टक्कर आशू पार्टी दी, और 2024 में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन है कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम किए हैं 29, 30 और 1 को जो प्रोग्राम होने वाला है, महाधिवेशन होने वाला है, और आप लोगों से क्या आह्वान करना चाहते हैं और क्या दिशा और दशा बदलने की क्या बात कहना चाहते हैं और किस बात को लेकर आज युवाओं को आप लोग एकत्रित कर रहे हैं? अभी हमारी जो तैयारी है, मैं आशू पार्टी खिजरी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी खिजरी के होने के नाते अभी हमारी तैयारी है कि हमारा और मांझी, अनगढ़ा और नामकोम और नगरी के 3 पंचायत हैं, इसमें सुदेश महतो जी का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि आप अपने अपने प्रखंड के अनुसार देखें। तो उसमें से जो है हमारा गांव स्तर पे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो व्यवसायी लोग हैं, हमारे बिजनेस लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स मित्र सभी को हम लोग बता रहे हैं, इसका उद्देश्य बता रहे हैं और लोगों पास मिल रहे हैं, और लोगों को जो है पूरे पंचायत स्तर पे एक पंचायत से 400 से 500 लोगों को उस महाधिवेशन में 1 तारीख को ले जाने की तैयारी है। और हमारे से जो पहले स्केडर है प्रखंड और जिला के, उनको हम 29 और 30 तारीख को ले जाने की तैयारी है। और आप सभी झारखंड के सभी हमारे जो राज्यवासी हैं उन सभी को हम यही कहेंगे कि अगर 2024 की दिशा और दशा बदलना है तो हम एक झारखंड की माटी से उपज एक पार्टी आशू पार्टी जो झारखंड की दर्द को पहचानता है, और आज हमारे झारखंड के विकास के लिए आप सभी को हम आह्वान करना चाहते हैं, आइए मिलकर के हमारे जो मोराबादी में महाधिवेशन होने जा रहा है उसको हम लोग ऐतिहासिक बनाएं, सभी को झारखंडी जोड़ें। देखिए इनका कहना है कि जो महाधिवेशन होने जा रहा है हम लोगों ने जो है कि पूरे प्रखंड में, पूरे जिले में, और जिले नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोग वहां पे मौजूद होंगे, इन सब को लेकर चर्चा हो रही है। और इनका कहना है कि वहां पे लाखों की तादाद होंगे और झारखंड को वो बदलने के लिए वो बदलाव करने की ज़रूरत है। देखते रहिए कैमरामैन सहयोगी के साथ झारखंड न्यूज 9।